difference between C2 and C3 planars on the basis of the photosynthesis. First of all, to understand the difference between the C2 and C3 planars and the mechanism of the photosynthesis of C2 and C3 planars, we need to understand the quotation given in this introduction. Do you have any friends who are awesome people but who also have some kind of bad habit? Maybe they forgot your birthday or never remember to brush their teeth. You will not stop being friends with them for these reasons. Yet from time to time, you might find yourself wishing that they would clean up their act. It means that उर्दू में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, अच्छा दोस्त है, और उसके अंदर कुछ बैड हैबिट्स भी हैं. और बैड हैबिट्स उसमें ये हो सकती हैं कि वो आपको बर्थडे का याद नहीं करवाता, या फिर आपको ये याद नहीं करवाता कि आप जो है ना अपने टीथ जो है साफ कर ली है कि नहीं किए, या फिर यू वुड नॉट स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स, आप उसके साथ दोस्ती खत्म नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, किसी भी टाइम. You might find yourself wishing they would clean up their act. बल्कि आप ये ख्वाहिश करेंगे कि वो अपनी इस हैबिट्स को चेंज कर लें. इसी कोटेशन को लेके रैपोलोज बिस्फॉस्फेट के मुतल्लिक डिस्क्रिप्शन हम करेंगे, के मुतल्लिक हम पढ़ेंगे कि इसकी हैबिट किस तरह की है. रैपोलोज बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजिनेज कार्बोक्सीलेज is a key enzyme in photosynthesis, is the molecular equivalent of a good friend with a bad habit. In the process of the carbon fixation, rubisco incorporates carbon dioxide into an organic molecule during the first stage of the Calvin cycle. Normally, as we have learned in photosynthesis in C3 pathway, the rubisco or ribulose bisphosphate, not oxygenase but carboxylase, binds with the carbon dioxide in the presence of the enzyme ribulose bisphosphate carboxylase. They produces the 3 carbon compound that is known as the 3 phosphoglycerate. This is the normal process in the C3 pathway in C3 plants, which is known as the Calvin cycle. Rubisco is so important to plants that it makes up 30% or more of the double protein in a typical plant. Rubisco bada important protein hai, enzyme hai, jo ki plant leaf ke andar takriban uska 30% jo part hota hai wo synthesize karta hai. But sometimes rubisco also has a major flaw. Instead of always using carbon dioxide as a substrate, it sometimes picks up oxygen instead. अब इसमें होता क्या है कि rubisco की जो affinity है जो C3 pathway के अंदर या C3 plants के अंदर, वो ये है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ही चूज करना है, उसके साथ ही फिक्स होना है, और उसको मिलाते हुए उसने 3 फास्फोग्लिसरेट पहला कार्बन जो है वो केल्विन साइकिल का बनाना है. लेकिन बाज़ुकात समटाइम्स ये रुबिस्को मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, फिक्स कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को साथ मिलाने. This initiates a pathway that is known as the photorespiration.
और वो पाथवे जिसमें रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाता है, वो एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन जो है ये आमतौर पे एनर्जी वेस्ट करता है एंड डिक्रीजेस शुगर सेंसेस। अब चूंकि केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, एक कार्बन मिलता है रुबिस्को को जिससे वो तीन कार्बन वाला रुबिस्को थ्री फास्फोग्लिसरी ग्लिसरेट बनाता है। अब थ्री फास्फोग्लिसरेट जो है अगर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो वो नॉर्मल नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे, अगर कार्बन उसमें मौजूद नहीं है तो ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कार्बन बनने की बजाय कोई और मॉलिक्यूल बन जाएगा। When Rubisco initiates this pathway, it commits a serious molecular mystery. और वो कैल्विन साइकिल में बेसिकली वो एक मिस्टेक प्रोड्यूस कर रहा है, मिस्टेक जो है ना वो कमिट कर रहा है। क्यों कमिट कर रहा है? क्योंकि उसने थ्री फास्फोग्लिसरी किसको बनाना था, उसकी जगह पे उसने क्या बना दिया, कोई और मॉलिक्यूल बना दिया जो कि कैल्विन साइकिल को नहीं चाहिए था या सेल को नहीं चाहिए था या सेल के लिए नुकसानदेह। रुबिस्को बाइंड्स टू आइदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन सी थ्री प्लांट्स रुबिस्को बाइंड्स टू ए फाइव कार्बन कंपाउंड कॉल्ड रेबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट with carbon dioxide is the first step of the Kelvin cycle that leads to a production of the sugar. रुबिस्को या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो फिक्स होगी या ऑक्सीजन के साथ फिक्स होगी, तो सी थ्री प्लांट जो है इसमें रुबिस्को नॉर्मली जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होती है और नॉर्मल कैल्विन साइकिल को जो है ना वो जनरेट करती है, प्रोसेस करती है, उसमें शुगर डिवेलप होती है, शुगर बनती है फाइनल प्रोडक्ट्स में। अब सी टू प्लांट्स में जिसमें फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें रुबिस्को जो है फाइव कार्बन कंपाउंड जो कि 1,5 बिस फास्फेट रेबुलोज बिस फास्फेट कहलाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो फोटो रेस्पिरेशन है जो कि पीछे भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इस डायग्राम के अंदर, इस फोटोग्राफ के अंदर ये दिखाया गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रुबिस्को को ये मजबूर करती हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो या फिर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो जो है ना रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे नंबर पे टेम्परेचर है। अब इसमें लो टेम्परेचर जब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑक्सीजन के मुकाबले में, उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रुबिस्को के साथ मिलके केल्विन साइकिल को जो है ना वो रन करेगी और नॉर्मल शुगर्स डिवेलप होंगी। और उसके मुकाबले में जब ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मौजूद होगी, हाई टेम्परेचर होगा, लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस कंडीशंस के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन जैसे बढ़ेगी तो उसमें नॉर्मली जो शुगर्स ने या एंड प्रोडक्ट्स ने प्रोड्यूस होना है वो नहीं बनेंगे। अब इसमें बेसिकली होता क्या है? व्हेन स्टोमेटा ओपन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स डिफ्यूजेस आउट, फोटो रेस्पिरेशन मिनिमाइज्ड। जनरली जो फोटो रेस्पिरेशन है वो मिनिमाइज कब होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, स्टोमेटा खुले हुए होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में उनके अंदर दाखिल हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को चांस नहीं मिलता कि वो और बिस्को साथ जाके मिल जाए। और जब कुछ कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं जब प्लांट
प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है, और क्लोज क्यों करता है, ताकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से पत्ते के अंदर से स्टोमेटा के थ्रू या वेपोरेशन के थ्रू उसमें से वाटर वेपर्स की जो है ना वो लॉस ना हो। तो ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस बिल्ड्स अप इंस्टेंट। उसमें होता क्या है बेसिकली कि ऑक्सीजन चूंकि फोटोसिंथेसिस दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है, और वो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो लीफ के अंदर बिल्डअप हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इन कंडीशंस के अंदर फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस ड्यू टू द हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। उसके बाद रुबिस्को हैज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो रिबिस्को के अंदर एक बैड हैबिट है, और वो बैड हैबिट क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ढूंढने की बजाय ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेता है और ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, मिला लेता है, तो जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। At mild temperatures, Rubisco's affinity for carbon dioxide about 80% times higher than its affinity for oxygen. No doubt, जो Rubisco है ये basically ये this is very ancient or the old molecule है, एक enzyme है, इसकी जो carbon dioxide की साथ affinity है वो करीबन 80% है। अगर 80% affinity उसकी कम होती है तो फिर वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाकर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाई टेम्परेचर होता है पत्ते अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेती हैं, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तों की तरफ दाखिल नहीं होती, तो रिबिस्को तो पत्तों के अंदर सेल के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा उसमें क्या होगा कि वो 80% चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे 80% से चांसेस कम होती जाती हैं तो रिबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। तो ये कौन सी कंडीशंस होती हैं, हॉट ड्राई कंडीशंस टेंड टू कॉज द मोर फोटोरेस्पिरेशन। सी थ्रू पाथ सी टू पाथवे वेस्ट एनर्जी एंड स्टील्स कार्बन। अब सी टू पाथवे जो होता है इसकी जो है ना वो नुकसान क्या होते हैं बेसिकली, ये करता क्या है जब उसने कैलोन साइकिल को रन नहीं करना होता। सी टू पाथवे बिगिंस इन द क्लोरोप्लास्ट व्हेन रुबिस्को अटैच ऑक्सीजन टू राइबोलोज बिस्फॉस्फेट एंड इस ऑक्सीजन इज रिएक्शन स्टार्टेड। टू मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, नंबर वन ए थ्री कार्बन कंपाउंड थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड द सेकंड मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोरेस्पिरेशन इज द टू कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज द फॉस्फोग्लाइकोनेट। The 3-phosphoglyceric acid is a normal intermediate of the C3 pathway that is known as the Calvin cycle, but phosphoglycolate cannot enter the cycle. अब phosphoglycolate जो कि 2-carbon के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये इसके अंदर स्पेसिफिसिटी नहीं होती, या कह सकते हैं कि Calvin cycle जो है वो phosphoglycolate को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पहचान नहीं सकता, जिसकी वजह से अगर वो किसी वजह से दाखिल भी हो जाता है तो वो कैल्विन साइकिल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको स्टॉप कर देगा। इट कैन नॉट एंटर द साइकिल, सो इट्स 2 carbons आर रिमूव्ड आर स्टोलन फ्रॉम द साइकिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस द नॉर्मल शुगर्स। तो उसमें फिर क्या होता है कि इसके जो 2 carbons होती हैं वो स्टोलन हो जाती हैं, गिर जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। तो जैसा कि पहले भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा, उसमें यह बताया गया है कि रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला है नॉर्मल प्रोसेस में, तो उसने 3-phosphoglyceric acid मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म। द नेट इफेक्ट गेन द 6 fixed carbon atoms एंड 10 G3P regenerate 6-ribulose bisphosphate। तो ribulose bisphosphate generate हो जाता है normally। अब photo respiration में क्या होता है कि oxygen जब ribulose bisphosphate के साथ मिलती है तो उसमें फिर क्या होता है कि इसमें 2 compounds produce होते हैं, जैसे कि पीछे आपने देखा कि 2 compounds हैं 3-phosphoglyceric acid और phosphoglycolate। अब दोनों compounds produce होंगे एकदम। अब दोनों कंपाउंड क्या करेंगे बेसिकली कि जो फास्फोग्लाइकोलेट है
ये सॉल्वेज पाथवे को प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल, तीन मालिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन के कंपाउंड वेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन के थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेडीहाइड के पास कम हो जाते हैं। उसमें नेट इफेक्ट क्या होता है कि इसमें तीन फिक्स्ड कार्बन एटम जो है ना वो लूज हो जाते हैं। अब लूज होने की वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो कार्बन साइकिल ने सिंथेसाइज करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स ने आइडेंटिफाई करना होता है, वो नहीं आइडेंटिफाई हो सकता, और एनफ कार्बन्स की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेगुलोज बेस फॉस्फेट ने बनना था वो नहीं बन सकता, और कार्बन साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होता।